छोटा बच्चा ज्यादा रोए तो क्या करे। देखिए छोटा बच्चा है, मेरे पास दो दिन पहले आया था तो उसमें बहुत ज्यादा रो रहा था, ना गोदी में चुप रहा था, ना बेड पे लिटाने से चुप रहा था, ना दूध पी रहा था, ना सो रहा था। बच्चे की दादी है, वो बताएंगी कैसी तबीयत थी इसकी। देखो परसों मेरे 3 दिन से मेरा बच्चा इतना तेज रो रहा था, इतना परेशान था, मैं डॉक्टर के पास लेके आई। इन्होंने इतने अच्छे से इसका बच्चे का इलाज करा। और देखो और बात अलग है कि घर में भी इन्होंने हमारे को कहा कि सुबह उठ के इनको नहलाना है, दलाना है, इनकी देखभाल अच्छे से करना। आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इतनी अच्छी बात डॉक्टर खुद कह रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। जैसे मैंने कहा वैसे इन्होंने कहा। मैं आपको सारे कारण बताऊंगा कि बच्चा छोटा बच्चा क्यों रोता है, वो घरेलू उपाय क्या करें, व्हाट आर द बेस्ट होम रेमेडीज फॉर ए क्राइंग इन्फेंट, क्राइंग न्यूबॉर्न, तो वो भी मैं बताऊंगा। मैंने जो इन्होंने इनको कहा इन्होंने वैसी केयर करी और बच्चा चुप हो गया, खुश हो गया। इस बच्चे तीन दिन में ही बच्चा हमारा देखो हंसता खेलता हो गया, नहीं तो हमारे हाथ से निकलता था बच्चा। तो बच्चे को चेस्ट में भी इन्फेक्शन था और ब्रेन में इन्फेक्शन जाना शुरू हो गया था, इसलिए गोदी में रह नहीं रहा था, घबरा रहा था। जैसे इतने बच्चे की हालत इतनी खराब थी ना कि कोई मान नहीं रहा था भी ये ठीक हो जाएगा। इस बच्चे को तो बाय चांस चेस्ट इन्फेक्शन था। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि रोने के क्या कारण होते हैं। एक तो बच्चे के पेट में बहुत गैस भरी हुई तो अचानक रोने लग जाता बहुत ज्यादा, जो जिसका कारण होता है सर कि माँ के खाने पीने में अगर गड़बड़ी हो, अगर माँ ने खाने में कोई ज्यादा राजमा छोले पनीर मटर खा लिए या फ्राइड स्पाइसी चीज खा ली, तली हुई चीज खा ली, मिर्च मसाले की चीज या बाजार का जंक फूड खा लिया, उससे ऐसा हो सकता है। या फिर अगर बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तब भी बच्चे के पेट में गैस बहुत ज्यादा भर जाती है, अचानक ही रोने लग जाता है बच्चा। जैसे शाम का टाइम होता है बहुत ज्यादा रोएगा और गोद में भी नहीं छुपता, ये कारण होता है। उसके अलावा अगर हमने बहुत ज्यादा पैक कर रखा है बच्चे को, ज्यादा सिंथेटिक कपड़े, बहुत ज्यादा कपड़े पहना रखे हैं, उसमें भी बच्चे का वेंटिलेशन पोर हो जाता है, सांस का ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं रहता, तब भी बच्चा ज्यादा रोता है। फिर अगर बच्चे के कान में पस हो गई हो, अचानक कान में पानी बहने लगा, रेशा हो गया कान में, पहले जुकाम खांसी था बाद में कान पके, तब भी रोने लग जाते हैं। फिर किसी किसी बच्चे की सुंडी पक जाती है तब भी बच्चे ज्यादा रोते हैं। किसी किसी बच्चे की शूशू वाली जगह या पोटी वाली जगह अगर ये लाल हो गई हो, लग गई हो, उसे बच्चा रोता है। कई बच्चों को डायपर रैश हो जाते हैं, अगर उसके जो डायपर है उसे, इसके बदले में ऐसे ऐसे कॉटन के डायपर यूज करें। एक तो बॉटल फेड बच्चों को ज्यादा डायपर रैश के, स्किन इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, और वैसे डायपर भी सिंथेटिक डायपर यूज ना करें, ऐसे ऐसे कॉटन के डायपर, इनमें कभी डायपर रैश नहीं होंगे। ऐसे ऐसे 444 नैपकिन कहते हैं इसको, कई सारी कंपनीज के आते हैं ये, इससे रैश नहीं होंगे तब नहीं बच्चा रोएगा। बाकी जब भी दूध पिलाए माँ उसको डकार दिलाए, बच्चे की टाइट हाथ से डेली मालिश करें, अगर नेचुरल केयर होगी बच्चे की फिर नहीं बच्चे रोएंगे। खूब मालिश करें उसकी डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और अर्ली मॉर्निंग में ही सूरज निकलने से पहले डेली खूब देर नहलाएं, क्योंकि जो मेरी गुड़िया है सौम्या है जब 16 साल की होगी, बचपन से ही जब ये एक दिन की थी तब से ही हम डेली से सुबह 5 बजे नहलाते हैं इसे, 16 साल से लगातार 5 बजे नहाती है, हमेशा फिट रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग में बच्चे की मालिश करें, अर्ली मॉर्निंग में नहलाएं, और फिर वो हर बार धूप लाके डकार भी दिलाएं, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। अंदर ही अंदर ज्यादा पैक ना रखें बच्चे को, जितना ओपन केयर होगी, जितना नेचुरल केयर होगी तब बच्चे हेल्दी रहेंगे, तब बच्चा बीमार नहीं होंगे। बाकी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखा के उसे इलाज कर लें, लेकिन घबराए ना, पजल ना हो, डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन केयर नेचुरल करें। नेचुरल केयर के साथ में फिर उसका होगा, खाली नशे की दवाई दे के बच्चे को सुलाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, खाली पेन किलर दे के उसके क्राई को कम कर दे, वही सब फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है, वो टाइम बींग के लिए ऐसा होता है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें जिससे कि बच्चा फिट रहे। थैंक यू।